सभी भाइयों को नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो हम आप भाइयों के लिए लेके आ रहे हैं सजन भाई के फार्म से, सजन दांगी मदीना गांव से, जिनकी काफ़ी सारी वीडियो अपने चैनल पे आती रहती हैं और आप देख पाते हैं। ताज़ी ब्याई हुई भैंसे, बाखड़ी भैंसे, कुछ गाय भी कई बार हमने देखने को मिली है जो एच एफ क्रॉस ब्रीड की, और बहुत सारा पशुधन भाई रखते हैं अपने ग्राहकों के लिए, चाहे वो कम रेट की हो, ज़्यादा रेट की हो, जिस तरह की भी डिमांड होती है उसी तरह का जो पशुधन है इनके पास रूटीन में मिलता है। आज की वीडियो में भी काफ़ी सारी भैंसे देखेंगे। इकलौता ऐसा फार्म रोहतक जिले का जो रेगुलर अपने चैनल पे जिनकी वीडियो आती हैं और जिनके फार्म पे 15 से 20 जानवर बिक्री के लिए हर दम तैयार मिलते हैं। तो बताना चाहूँगा, मदीना गांव से ये वीडियो लेके आ रहे हैं, रोहतक जिले से। सजन भाई से बात करते हैं, पूछेंगे भैंसों के बारे में। सजन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सजन भाई, कहाँ की बिक्री आजकल ज्यादा कर रहे हो? आजकल लोकल में ज्यादा हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपना जो माल जा रहा है फिलहाल पंजाब में जा रहा है। पंजाब में बाखड़ी की डिमांड ज्यादा है। हाँ हाँ, क्योंकि आज के टाइम पे जो देख डिलीवरी का टाइम है पशुओं का वो कम है। हाँ हाँ, उसी रेट में फिर महंगे मिल रहे हैं। हाँ हाँ, तो उसी पर्पज से जितना बाखड़ी का अच्छा माल मिले तो उसके लिए डिमांड ज्यादा है भाई। ठीक है, बाखड़ी भैंसों की डिमांड ज्यादा है। रोज वीडियो में ये बात बताता हूँ कि भैंसों के रेट अभी तेज हैं, तो बाखड़ी भैंसों की तरफ ज्यादा फोकस है भाई का। तो एक नंबर वाली भैंस के बारे में बताओ जी। ये पहले भी आई थी अपनी वीडियो में। हाँ हाँ, आज लगभग 5 से ऊपर हो गई है। हाँ हाँ, नीचे कटड़ी और 5 किलो दूध पे है भाई अभी। प्रेग्नेंट है, 5 किलो दूध है, इधर बोलना इसको। कटड़ी है साथ में, साथ में कटड़ी। प्रेग्नेंट कितने महीने की है? 5 महीने से ऊपर हो चुकी है। 5 महीने से ऊपर। कितने की बेचनी है जी? 57,000 की है भाई। 57,000 रुपए की बेचनी है। देखिए, 5 किलो दूध थन पास करवा रही है, साथ में कटड़ी है। इससे आगे दो नंबर वाली के बारे में बात करें, ये 6 दांत होने वाली है, 4 में अभी। हाँ हाँ, तक हो जाएगी 6 दांत। 8 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट है भाई। अच्छा, दूध तो नहीं दे रही मेरे ख्याल से। दूध से छोड़ दिया भाई, क्योंकि शरीर से इतनी पहली बार, दूसरी बार बच्चा देगी। पहली बार में कितना दूध दिया भाई साहब? 12.5 किलो दिया है भाई। तो ये कितने की बेचनी है? ये देने भाई 75,000 की। 75,000 की, 2 महीने का अभी टाइम है बच्चा देने का। देखिए, पहली बार की कटड़ी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत ही छोटे सींग की है और साफ सुथरी जोटी भाई के पास। बाखड़ी भैंसों का मैं कहूंगा बेचने वाला एक किस्म से ये कह सकते हैं कि एक मात्र फार्म है। 3 नंबर वाली के बारे में, 3 नंबर वाली कंफर्म हो चुकी है भाई, प्रेग्नेंट हुई है। इसकी कीमत 75,000, 9 से 10 किलो दूध है। 9-10 किलो दूध दोनों टाइम दे रही है। ठीक है ठीक है, कौन से ब्यांत की है भाई? ये तीसरा है भाई इसका, तीसरे ब्यांत की। देखिए, आप वीडियो भी मंगवा सकते हैं भाई से। अगर आपको ये पशुधन पसंद आते हैं तो एक एक का वीडियो इनके व्हाट्सएप नंबरों से आप मंगवा सकते हैं। ये वाली बताओ जी। सुरेंद्र, वैसे तो बोलने को सभी प्रेग्नेंट 20+ की होती है। हाँ हाँ, लेकिन इस भैंस के भी डॉक्यूमेंट है भाई। हाँ हाँ, 20 किलो 300 ग्राम मोखरा में रिकॉर्डेड है। हाँ हाँ, डॉक्टर साहब ने दिलवाई थी। हाँ हाँ, इसका लगभग 1.5 महीना पहले का रह रहा है। ठीक है, तीसरी या चौथी बार ये बच्चा देगी। ठीक है, खरीद के लाएंगे, कंफर्मेशन नहीं दे सकते किसी चीज की, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ है वो कोई भी भाई लेना चाहे तो किसी टाइम ले सकता है। ठीक है, कितने की बेचनी है जी? ये कहनी है भाई 1,10,000 की। 1,10,000 रुपए की। 45 दिन बाकी है ना ब्याने के? 45 दिन बाकी है। 20 किलो दूध कोई भी भाई आके देख सकता है, हॉस्पिटल में चेक कर सकता है, जो टैग नंबर है वो डॉक्यूमेंट भाई पूरे इसके करवा सकते हैं। बाकी ये आगे अगले ब्यांक में 20 देती है, 18 देती है, 22 तो देती है। कमिटमेंट किसी के बारे में कर नहीं सकते भाई। बिल्कुल, वो तो जैसी मेहनत वैसा दूध। बिल्कुल, ये आगे वाली भैंस भाई साहब, ये भी दूसरी बार बच्चा देगी भाई। अच्छा, कितने दिन बाद? कटड़ा है ये, लगभग 7 से कुछ दिन ऊपर है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ, इसका रेट नहीं बताया था, रेट बता देता हूँ उसका, पूरा 1,05,000 का रेट है भाई। दूध दे रही है ये? दूध दे रही है 8 किलो और नीचे वो कटड़ा है भाई। पहली बार की झोटी 8 किलो दूध दे रही है, 7 महीने की प्रेग्नेंट है। देख सकते हैं आप, हरियाणा में मुर्रा कितना जो बड़ा नाम है, मुर्रा का दूध इतने लंबे टाइम देती है। क्या रेट बताया इसका? इसका 1,05,000 है भाई। 1,05,000। कई बार बोल देते बताया नहीं, इसकी थोड़ी सी ने साइड उठा रखी है। हाँ हाँ, लेकिन चुआई वगैरह अच्छी है भाई। ठीक है, थनों में कोई कम ज्यादा? कम ज्यादा 5-7 हजार का फर्क हो सकता है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, साइड वगैरह तो ब्यांत के ऊपर पशुधन जो है वो ठीक हो जाता है, बाकड़े पन में ज्यादा लगता है भाई। हाँ हाँ हाँ, अगर ठीक ठाक दवाई हम दे तो बाखड़े ताजी भी आएगी तो ठीक हो जाएंगी। ये बछड़िया भाई साहब? बछड़िया 6 महीने की प्रेग्नेंट है, 5 किलो दूध है भाई। हाँ हाँ, नस्ल साहिवाल कह लो, मिक्स में कह लो, क्योंकि ज्यादा नॉलेज होती तो कंफर्मेशन की दे देते। साहिवाल और थोड़ी राठी मिक्स हो सकती है। क्या कितने की क्या कीमत है इसकी? इसकी 26,000 रुपए देने के। 26,000, 5 किलो दूध और 6 महीने की।
ठीक है, ये आगे वाली? आगे वाली के रहते हैं अभी 10 दिन। 10 दिन ठीक है, और 15 लीटर फर्स्ट टाइम में इसने दिया है भाई। हाँ हाँ, 10 दिन बाकी हैं, दूसरी बार बच्चा देगी। 15 किलो दूध पहली बार में दिया है, शराफत बढ़िया है, घर के लिए लायक है। हाँ हाँ, इसकी कीमत है भैया 46,000 रुपए। 46,000 रुपए, देखिए 4 दांत ही है। ठीक है, 4 दांत ही है अभी। हाँ, कहने को चाहे फर्स्ट टाइम का लो, कोई मतलब नहीं है। जर्सी साहिवाल की क्रॉस है, जर्सी साहिवाल मिक्स में है। ठीक है ठीक है, इससे आगे ये वाली भैंस भाई साहब? ये आज ही आई है भाई। हाँ हाँ, पिछले साल रिश्तेदारों को दी थी, 18.5 किलो दूध दिया है। ठीक है, और अब ये 5-5.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 5-6 किलो दूध आ चुकी है। ठीक है, अब वो कमेंट वाली बात आती है, बोलेंगे कि रेड स्किन है, रेड स्किन डेयरी के अंदर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जो अंदर अंदर रहती है, जिनको धूप नहीं लगती उनको हो जाती है। जैसे एरिया में तो वैसे भी सबको पता है। इसकी क्या कीमत होगी? ये डेयरी भैया 75,000 रुपए। 75,000 रुपए की बेचनी है। ठीक, जगह बहुत है नीचे, बनाने पे बहुत बढ़िया खुलती है, नीचे से धार चुवाई अच्छी है। लाल कलर है उसका कारण, जो पशु धूप में नहीं बनते वो लाल कलर हो जाता है उनका। ये वाली भैंस भाई साहब? ये वाली अभी देने के लायक नहीं है भाई। ठीक है, बोलने को तो बोल दे, बच्चा दिया था, एक्सपायर हो चुका वो। ठीक है ठीक है, हो गया था गाड़ी में कुछ, इसको भी रखा हुआ दूध के लिए। ठीक है, ये आगे वाली जोटी के लिए है, सेल के लिए कौन सी है? ये वाली। अच्छा, इसके क्या? ये खीस से खाली करी है भाई। हाँ हाँ, 2-10 किलो दूध होगा, तीसरा दिन है और तीसरी बार इसने बच्चा दिया है। तीसरी बार की ब्याई हुई, 3 दिन की ब्याई में 10 किलो दूध खीस से खाली होती हुई में क्या कीमत है जिसकी? ये देनी भाई 1.5 की। 1.5 की दे देगी 14-15 किलो दूध। सुरेंद्र वैसे तो कुछ भी कह ले, लेकिन जो जंगली साइड का है 16-17 की नॉर्मल उम्मीद है। ठीक है, और भी दिखाऊंगा, वीडियो में चालू हुई है। ठीक है ठीक है, उसी से लगा लो, ये देख लो। हां हां, मैंने बताया था लगा सकते हो, इसकी पोजीशन कहां तक जाएगी। हां हां हां, इसका मैंने 17 किलो बोला था, आज मापने को चाहे 19 किलो, अपना 4 टाइम माप लिया भाई। ठीक है, नीचे इसके भी कटड़ी है, कीमत मैंने इसकी रखी थी 1,32,000। ठीक है, कीमत वही है, दूध की अपनी कार के कंफर्मेशन कभी करो, 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम। अभी कितना दूध है इसमें? अभी इसमें 19 के नजदीक है भाई, 19 लीटर दूध है, 1,32,000 रुपए कीमत है। कौन सी बार की है? तीसरी बार भी हो सकती है, चौथी बार भी हो सकती है। तीसरी चौथी बार, लेकिन 20 प्लस करेगी भाई। ठीक है, और कौन सी दिखानी है बीच में? एक ही है जी। हाँ हाँ, आज होगी 13-14 दिन की ब्याई, दूध है 13 किलो। ठीक है, कीमत है इसकी 95,000 रुपए भाई। ठीक है, ये वही है, वीडियो में भी बोला था, बच्चा बाद में लगाती है, पहले बच्चा नहीं लगाती, थन काट रखा था बच्चे ने। ठीक है ठीक है, थन अभी ठीक है? हाँ, थन भी सही है भाई। ठीक है, ये आगे वाली भाई? ये दूसरी बार की है। हाँ हाँ, दूध होगा 14 किलो। हाँ हाँ, ब्याई होगी 9 दिन की, इसकी कीमत है भाई 1,15। 1,15, ठीक है, अच्छी है, शरीर का काट बढ़िया है। ठीक है, वजनदार भैंस है। ये आगे वाली? ये तीसरी बार की। हाँ हाँ, ये भी सेम है, 9 या 10 दिन की होगी, दूध होगा इसमें भी 13-14 आज तैयारी का। ठीक है, ये भी 1,15 की है भाई, 13-14 किलो दूध, 1,15,000 रुपए की। ये मैंने बताई दी थी। हाँ, ये बता दी, एक बत्ती है, डेयरी की डिमांड आती है दूध के, मैं तो दूध चाहिए, शकल सूरत अंडर से कोई मतलब नहीं है, साइड जरूर उठाती है, दूध होगा आज कम से कम 13 प्लस। ठीक है, ब्याई होगी, बच्चा इसका पीछे बंधा हुआ है, 10 दिन की है, 12 दिन की। ठीक है, इसकी कीमत रखिए भाई 86,000 रुपए। 86,000। ये आगे अगर कंपैरिजन करें यहाँ से वहाँ तक, इतना नहीं मिलेगा भाई बिल्कुल, और खोल के चलाए तो इतना है, नहीं मिलेगा कोई बिल्कुल। अगर इसके ऊपर ब्लैक बाल और ब्लैक स्किन हो तो आज के टाइम पे तो रेट ही नहीं है बिल्कुल। ये देनी है भैया 1,10,000 रुपए। 1,10 के कितना दूध दिया है इसने? 22.5 किलो डेली में तोला है भाई। 22.5, कितने दिन की गैबिन है ये? इसके रहता है 20 से 25 दिन। 20-25 दिन। हाँ ठीक है, बाकी जगह अच्छी है, बढ़ता हुआ पशु है ये, तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आज ही आई है। ठीक है, दोनों एक ही जगह, चोरे की जगह से आई है। ठीक है, ये तो 10 दिन में काली हो जाएगी भैंस, मेहनत करेंगे तो हो जाएगी बिल्कुल, मेहनत मांगती है भैया, फर्स्ट टाइमर जो होती है। हाँ हाँ, दूध है 14 किलो। ठीक है, अभी कुछ निकला हुआ इसका कुछ रहता है। ठीक है, ये बच्चा है। ठीक है, इसकी कीमत है भैया 1,05,000 रुपए। 1,05,000, उसे 4 दांत है। ठीक है, चुवाई अच्छी है। ठीक बाकी है, तो लेने वाला अपनी तसल्ली करके ले भाई। सही बात है, सही बात तो ये होती है, अपने आंखों के सामने करो, कई बार बोले थे पेमेंट डालो, पेमेंट मत डालो, आके अपना क्लैरिफाई, अपना जो अपना ट्रस्ट बनता हो करके देखो, उसके बाद लो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, काफी सारी भैंसे भाई साहब के पास बिक्री के लिए उपलब्ध है, बहुत सारी भैंसे जो है, गाय भी आज हमने 2 देखी और बहुत सारी वैसे बाखड़ी भी देखी, जो कि सबसे ज्यादा डिमांड मैं कहूंगा, अगर बात करें हम बाखड़ी भैंसों को लेने वाले बहुत ज्यादा हैं। एक सुरेंद्र ये बात आते हो, हाँ हाँ, ये जोटी बिल्कुल ठाणों पड़ी थी भाई, जिसको बोल देते हैं डैमेज थी। हाँ हाँ, आज 12-13 किलो दूध दी है।
ठीक है, पहले से कितनी ठीक है वो पिछली वीडियो भी आई जो आज भी आई थी। हाँ हाँ। अगर बोल देते धोखा कर दिया, मैं किसको बोल दूंगा धोखा कर दिया भाई? बिल्कुल, ये तो किसी के साथ भी हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर आज ये 12 किलो दे रही है तो कम से कम अपना खर्चा तो निकालती है। बिल्कुल, इसके ऊपर मेहनत करें तो ठीक भी होगी। बिल्कुल, पशु बीमा प्रॉब्लम करने से पहले पहले अपना 100% दो पशु को, उसके बाद अगले को बोलो भाई। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये देखिए काफी सारी भैंसे हमने देखी सजन भाई के फार्म पे, जहां बिक्री के लिए उपलब्ध खड़ी हैं भैंसे और बाखड़ी भी हैं बहुत सारी। तो जो भी भाई लेना चाहते हैं सभी पशुओं का हमने रेट भी बताया। जितने भी भाई वीडियो देख रहे थे सजन भाई से जुड़ना चाहते हैं, मदीना गांव है रोहतक जिले में, मेन हाईवे के ऊपर इनका गाँव है, तो आप इनके यहाँ आके अच्छी भैंसे खरीद सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जितने भी भाई बने रहे वीडियो में आखिर तक, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।